सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं अपने कोकाटेल के बर्ड सेटअप पे कौन कौन सी मेडिसिन है जो इनको प्रयोग कराता हूँ और वो कौन कौन सी जरूरी दवाएं हैं जो एक कोकाटेल रखने वाले या जो भी बर्ड्स रखते हैं लोबर्ड्स बजीज उनके पास हमेशा उनके सेटअप पे मौजूद रहनी चाहिए और उनका प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं वो 6 दवाइयां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा या 6 मेडिसिन कौन कौन सी है जो हमेशा मैं मेरे सेटअप पे रखता हूँ वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो जो दोस्तों लिस्ट में जो पहले नंबर पे मेडिसिन आती है उस मेडिसिन का नाम है मैरीक्विन। दोस्तों, ये पूरी तरीके से एंटीबायोटिक लिक्विड फॉर्म मेडिसिन होती है जो हम हमारे बर्ड्स को दे सकते हैं जिनमें कोकाटेल आते हैं, लोबर्ड्स आते हैं, बजीज आते हैं या सभी प्रकार के पैराकिट्स को आप दे सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यदि बर्ड्स पाल रखे हैं तो कहीं ना कहीं मैरीक्विन का नाम सुना ही होगा। मैरीक्विन दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक दवाई है जो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होती है और इसके प्रयोग से हमारे बर्ड्स में किसी प्रकार का इंटरनल इन्फेक्शन नहीं होता या कोई बुखार, नज़ला, जुकाम या फूल के बैठने की समस्याएं, सभी प्रकार की समस्याएं इसके खुराक देने से सही हो जाती है। दोस्तों, इसका जो प्रयोग होता है वो सर्द मौसम में किया जाता है, यानी कि बरसात के मौसम में या सर्द मौसम में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस वजह से इसको गर्मियों में प्रयोग ना लें या आपके वहाँ तापमान अत्यधिक हो रखा है तो उस जगह पे आप इसको प्रयोग ना करें। इसकी प्रयोग की जो विधि होती है दोस्तों वो आप लोग पर बर्ड के हिसाब से 2 बूंद रखें एक कटोरी पानी में। यदि आपके पास एक पेयर बर्ड है या 2 बर्ड है तो आप 4 बूंद का प्रयोग करें। और दोस्तों, जो इसका प्रयोग का साइकिल है वो कम से कम दोस्तों 3 दिन इसके बर्ड्स को डेली बेसिस पे दें, प्रयोग कराएं इनको पानी में मिला के। अब दोस्तों देना कैसे होता है मैं आप लोगों से इसी मेडिसिन में बता देता हूँ। कोई सी भी मेडिसिन देने का किस प्रकार हमें देनी चाहिए हमारे बर्ड्स को, तो दोस्तों करना है ये होता है कि हमें रात को बर्ड्स के बर्तन हटा देने हैं पानी के और मॉर्निंग में सबसे पहले हमें वो मेडिसिन वाला ही पानी का प्रयोग कराना होता है। दोस्तों 3 दिन आपको लगातार ऐसे करना है तो आप पाएंगे कि आपके बर्ड्स में जो भी इन्फेक्शन हो रखा है, इंटरनल इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी दवाई है, जब भी आप मैरीक्विन का प्रयोग करें तो जो दूसरे नंबर पे दवाई आपको प्रयोग करनी है 3 दिन लगातार बर्ड्स को देने के बाद, उसके बाद आपको जो दवाई प्रयोग करनी है वो दोस्तों आती है लीव 52, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों एक ह्यूमन वाली लीव 52 भी आती है, आप वो भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं लेकिन वो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आप ये लीव 52 जो स्क्रीन पे है आप इसको किसी भी मेडिकल शॉप से ले सकते हैं जहाँ पे जानवरों या पक्षियों की दवा मिलती है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। दोस्तों मैरीक्विन के 3 दिन प्रयोग कराने के बाद आप लीव 52 का 3 दिन का डोज जरूर दें, क्योंकि जब मैरीक्विन हम प्रयोग कराते हैं तो हमारे बर्ड्स के जो वजन होता है वो कम हो जाता है, यानी कमजोरी सी आ जाती है बर्ड्स में और वो सूख जाते हैं पूरी तरीके से। तो उनका लीवर रिकवर करने के लिए आप उन पे लीव 52 का प्रयोग करा सकते हैं। देने का फॉर्मूला दोस्तों सेम है, प्रति बर्ड हमें पर पक्षी हमें 2 बूंद का प्रयोग करना है एक कटोरी पानी में और आपको हमेशा रात को पानी को हटा देना है और सुबह पानी का प्रयोग कराना है, अपने बर्ड्स को मेडिसिन वाला पानी देना है। इसके बाद दोस्तों जो अगली मेडिसिन आती है वो बहुत ही आसानी से हमें हर जगह उपलब्ध हो जाती है, उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों एप्पल साइडेड विनेगर, यानी कि सेव का सिरका। दोस्तों सेव का सिरका आप किसी भी महीने में कभी भी अपने बर्ड्स को पानी में मिला के दे सकते हैं। इससे बर्ड्स का लीवर और पेट दोनों बहुत ही क्लीन हो जाता है और उनकी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है और जो भी उनके पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आप एप्पल साइडेड विनेगर या सेव के सिरके का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि बाजार में बहुत ही आसानी तरीके से उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों जो अगली हमें चीज़ जरूरी है, जो मेडिसिन हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है दोस्तों ऑस्टोविट। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑस्टोविट ये सभी प्रकार के
पक्षी और जानवरों को दी जाती है। दोस्तों ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है और इससे हमारे बर्ड्स के कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। और आप इसको दोस्तों पानी में मिला के भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने जो भी सॉफ्ट फूड दे रहे हैं अपने बर्ड्स को उसके साथ भी मिला के आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों जो कैल्शियम देने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब कैल्शियम आप देते हैं तो एक बर्ड के हिसाब से 3 बूंद कैल्शियम का प्रयोग करें एक छोटी कटोरी पानी में। अगर जो हम छोटी कटोरी को आके कितना पानी लेना है तो दोस्तों 80 से 100 ml पानी आप प्रयोग में ले सकते हैं, और पर बर्ड 3 ml आप दे सकते हैं जो कि कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप वीक में 1 से 2 बार इस पानी का प्रयोग अपने बर्ड्स पे जरूर करें, जिससे आपके बर्ड्स में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और साथ तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है वो भी कैल्शियम की पूर्ति के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि है वाइबे कंपनी की कैल्गोफॉस नाम की दवा आती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेम इसका भी प्रयोग हम हमारे बर्ड्स को कैल्शियम की पूर्ति के लिए कराते हैं। यदि आप ऑस्टोविट का प्रयोग लंबे समय से कर रहे हैं और आप दूसरी कोई कैल्शियम की दवाई का प्रयोग करना चाहते हैं अपने बर्ड्स पे, तो आप कैल्गोफॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो इसका देने का तरीका है वो सेम ऑस्टोविट को जिस प्रकार से दिया जाता है उसी प्रकार से आप इसको भी पानी में मिला के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। दोस्तों जो अगली दवा है वो हम सभी जानते हैं कि हमारे बर्ड्स को मल्टीविटामिन की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्रीडिंग के टाइम पे, या ब्रीडिंग नहीं भी कर रहे हो तो बर्ड्स की फेदर चमक वगैरह के लिए हमेशा हमें बर्ड्स को मल्टीविटामिन देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो दोस्तों सबसे अच्छी मल्टीविटामिन जो मैं प्रयोग में लेता हूँ अपने बर्ड्स पे और जिसका रिजल्ट हमेशा सबसे बेहतरीन बना हुआ है आज तक, वो है दोस्तों वाइबेक की वाइमरल, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी मल्टीविटामिन दवा है और बहुत ही बढ़िया दवा है। आप इसके प्रयोग से आप पाएंगे कि आपके बर्ड्स की फेदर्स, उनकी प्रजनन क्षमता और उनकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों आप इस दवा का प्रयोग भी अपने बर्ड्स पे वीकली एक बार जरूर करें। दोस्तों बस इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि मल्टीविटामिन देते टाइम भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म ना हो या बहुत ज़्यादा तापमान ना हो। बरसात के मौसम में और सर्दियों में आप इसको दे सकते हैं, इससे आपके बर्ड्स को शरीर में जो है वो गर्मी बनी रहेगी और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अत्यधिक तेज रहेगी, जिससे उनको नजला जुकाम होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में मल्टीविटामिन के अनेकों फायदे होते हैं जो हम हमारे बर्ड्स पे प्रयोग कराते हैं, तो हमारे बर्ड्स की जो साइज होता है, चिक का साइज होता है और उनके फेदर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रकार की मेडिसिन है, जो कि 6 मेडिसिन होती हैं जिनको हम हमारे सेटअप पे हमेशा रखते हैं। और मैं आप लोगों को भी सजेशन देता हूँ कि अगर जो आपके पास एक पेयर बर्ड्स है या आपने बर्ड सेटअप लगा रखा है तो ये मेडिसिन आप लोग जरूर रखें और हमेशा अपने बर्ड्स को प्रयोग में कराएं। और इन सभी मेडिसिन का सेपरेट प्रयोग कैसे करना है, यानी एक एक मेडिसिन को किस प्रकार प्रयोग में लेना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन मैं अलग से भी इंडिविजुअल वीडियो जरूर बनाऊंगा एक एक करके सभी मेडिसिन का आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं किस प्रकार से अपने बर्ड्स पर इस मेडिसिन का प्रयोग करता हूँ और कैसे मेरे बर्ड्स की सेहत बनी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।